और इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन आर्मी को घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर सेवेरोडोनेट्स्क और कुराखोव में सबसे मुश्किल हालात, यूक्रेन का यह कहना है। एक और बड़ी खबर पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी फौज के हमले में रूस का एम्युनिशन डिपो खत्म। यूक्रेन के अटैक में 39 रूसी सैनिकों की मौत, कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर आ रही है ओडिशा मिकोलेव में जंग खत्म होने तक खेरसौन में नहीं होगा कोई रेफरेंडम, रूस की तरफ से खेरसौन में नियुक्त डिप्टी हेड का दावा। वॉर जोन में रूस के MI-35 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया जा रहा है। लीमन में रूस ने बाइक बेस में आग लगाई, यूक्रेन का कहना। एक और बड़ी खबर 2 महीने में कीव से बरामद हुए 10,000 से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स। खारकीव में रूस ने सोलर पावर प्लांट को उड़ा दिया है, यूक्रेन का यह दावा है। जेलेंस्की के लौटते ही खारकीव पर रूस ने की बमबारी, बेलगोरोद से स्कैंडर मिसाइल से रूस ने खारकीव पर किया अटैक। खारकीव के 31% इलाके पर रूस का कब्जा, खारकीव के 5% इलाके को यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में लिया, जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई येरमाक का दावा। और जानकारी आ रही है पोलैंड सैनिकों के साथ बढ़ाएगा अपना मिलिट्री खर्च। पोलैंड के राष्ट्रपति का ऐलान, CNN को दिए इंटरव्यू में कहा ज्यादातर नागरिकों को रूसी अटैक का डर। पोलैंड यूक्रेन भेजेगा 18 सेल्फ प्रोपेल हॉटजियर तोप, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा 1 मिनट में 6 बार और 40 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। चेक रिपब्लिक भी 24 से 28 मिलियन यूरो के हथियार भेज सकता है यूक्रेन। चेक रिपब्लिक की रक्षा मंत्री याना चेरमोखोव का यह बड़ा बयान। कनाडा ने मांगी और आर्टिलरी अपनी स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए। साउथ कोरिया पर दबाव बढ़ा, रॉयटर्स के हवाले से जानकारी है। हाल ही में कनाडा ने यूक्रेन भेजी है कई आर्टिलरी। जेलेंस्की ने नेटो मेंबरशिप पर नीदरलैंड पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। पीएम मार्क रूट यूक्रेन के नेटो जाने पर स्टैंड साफ करे, जेलेंस्की ने यह कहा। और इस वक्त हम आपको ये सारी खबरें दिखा रहे हैं, जरा तेजी से देखें। 4-4 के ब्लॉक को राउंड ज़ूम इन करें, पता है तुरंत डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना यूक्रेन आर्मी को घेरा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक और बड़ी जानकारी कीव इंडिपेंडेंट का जो दावा है वो दावा यह है कि किस तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर हमले में रूस का एम्युनिशन डिपो जो है वो नष्ट हो गया है। यहां पर आएंगे ओडिशा और मिकोलेव में जंग तेज हो गई है रूस की तरफ से, खेरसौन में नियुक्त जो है यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो खेरसौन में नहीं कोई रेफरेंडम, यह भी जानकारी है। वॉर जोन में रूस के MI-35 जो चॉपर्स हैं उनको लेकर जानकारी हमारे सामने आ रही है, किस तरीके से उसको हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया जा रहा है। 2 महीने में कीव में बरामद हुए हैं 10,000 एक्सप्लोसिव, ये भी इंफॉर्मेशन है। तुरंत यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे। पोलैंड सैनिकों के साथ बढ़ाएगा अपना मिलिट्री खर्च। पोलैंड यूक्रेन भेजेगा 18 और सेल्फ प्रोपेल हॉटजियर। यहां पर रक्षा मंत्री जो है चेक की, उन्होंने कहा है 24 से 28 मिलियन यूरो के हथियार हम भेजे जा रहे हैं। कनाडा ने मांगी और आर्टिलरी, साउथ कोरिया से कहा हमें और आर्टिलरी दो। एक और बड़ी खबर यूक्रेन के नेटो के जो ड्रीम्स है उसको लेकर जेलेंस्की का आरोप है, नेटो पर चुप क्यों है नीदरलैंड। अपने दर्शकों को अगली खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, घड़ी सेट कर लीजिए 10 बजे हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। किस तरीके से ज्ञानवापी का जो वीडियो है वो किसने रिलीज किया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।